नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्राचीन रामबाण नुस्खे में। लो ब्लड प्रेशर को अक्सर लोग गंभीर से नहीं लेते, हालांकि इस वजह से बॉडी में रक्त का बहाव काफी कम हो जाता है, जिसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से आपका दिल, दिमाग, किडनी और फेफड़े सही ढंग से काम नहीं कर पाते, जिस वजह से इन सब के डैमेज होने की चांसेस तक बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं लो बीपी की वजह से शरीर के अंगों पर पड़ने वाले साइड इफेक्ट के बारे में विस्तार से। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त और रिश्तेदार भी स्वस्थ रहें, तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी उनके साथ लाइक करें, शेयर करें और हमारी सदस्यता लेना ना भूलें, जिससे कि आपको रोज नए नए वीडियो आप तक आते रहें। दिल से जुड़ी बीमारियां। शरीर में खून का प्रेशर लो होने की वजह से आपके दिल तक खून ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। किडनी रोग। किडनी हमारे शरीर में मौजूद खून को साफ करने का काम करती है। जब शरीर में ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है, तो किडनी तक खून पहुंचने में समय लगेगा, जिससे किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएगी और धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। दिमाग से जुड़ी समस्या। लो ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे दिमाग तक खून सही ढंग से नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याओं का आपको सामना भी करना पड़ता है। कमजोर फेफड़े। वैसे तो फेफड़ों को काम वातावरण से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में उसका उपचार करना है, मगर शरीर में मौजूद खून के बिना फेफड़े अपना यह काम ठीक ढंग से नहीं कर पा सकते। ऐसे में जरूरी है शरीर के ब्लड प्रेशर का सही होना, ताकि शरीर के ये तमाम हिस्से अपना अपना काम सही ढंग से कर सकें। लो ब्लड प्रेशर की परेशानी से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी डाइट और हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, जैसे कि डाइटिंग के नाम पर कभी भी खाना मत छोड़ें। रोजाना हेल्दी डाइट लें, 3 वक्त खाना जरूर खाएं, प्रोटीन युक्त फ्रूट का सेवन जरूर करें, ब्रेकफास्ट कभी स्किप ना करें। जिनका बीपी अक्सर लो रहता है, नमक वाली चीजें ज्यादा खाएं, बॉडी में खून की कमी कभी ना होने दें, रूटीन में वर्कआउट करें। अगर आपका बीपी लो रहता है तो हल्की फुल्की सैर करें। कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चलता उसका ब्लड प्रेशर लो है। यदि आपके शरीर में भी आपको ये कुछ लक्षण नजर आए, तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा कर आए। चक्कर आना, भारीपन महसूस होना, बेहोशी, धुंधलापन, जी मचलाना, थकान महसूस होना, ध्यान की कमी होना, छाती में दर्द, अधिक प्यास लगना। योग है एक बेहतर उपाय। आप यदि लो बीपी की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो रूटीन में कुछ आसन जरूर करें। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ खास आसनों के बारे में, जो आपकी लो बीपी की परेशानी को दूर करने में मदद करेंगे। उत्तान आसन। यह आसन दिमाग में रक्त के प्रवाह को सुधारने का काम करता है, जिससे चक्कर आना और थकान जैसी समस्याओं से शरीर को राहत मिलती है। अधोमुख स्वानासन। यह आसन मस्तिष्क को शांत करने के साथ साथ आपकी थकान को कम करने का भी काम करता है, जिससे आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल स्टेज पर रहता है। पवन मुक्तासन। यह आसन रक्त के संचार को बढ़ाता है। जिन लोगों का बीपी सदैव लो रहता है, उनके लिए आसन सबसे बेस्ट रहेगा। इसे करने से पीठ के निचले हिस्से पर तनाव कम महसूस होता है, जिससे चक्कर आना और कमजोरी महसूस होना जैसी समस्याएं कम महसूस होती हैं। शिशु आसन। यह आसन तनाव और थकान से शरीर को राहत दिलाता है और एवं मस्तिष्क को शांत करता है। मत्स्यासन। यह आसन पीठ और गर्दन की मांसपेशियों में फैलाव लाता है, जिससे शरीर में रक्त का प्रभाव ठीक ढंग से काम करता है। दोस्तों, ये थे कुछ आसन। यदि आप इनको करेंगे, तो आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात पा सकते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।